हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ममाज गर्ल ए के, और मैं हुई आना। आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में जो सारी लड़कियों को पसंद आने वाला है। और 299 रेंज की है ये प्रोडक्ट। मेबेलिन से पता चल गया होगा, लिपस्टिक्स इतनी है मेरे पास में। और मेरा लेने का रीज़न भी बता देते हैं पहले। और सब ना अलग अलग रेंज से, मतलब ना ये सब 299 की आ रही थी तो मैंने ले लिया था। कुछ लिमिटेड एडिशन वाली होगी, ऐसे कुछ आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है तो बता देते हैं। कलर्स आपको दिखा देते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने लगा रखी है ये वाली, और टच ऑफ स्पाइस। पहले बता देते हैं इसके बारे में, पहले सारी लिपस्टिक दिखा देते कि किस कंडीशन में है, क्यों बना रहे हैं ये वीडियो। लेकिन ये प्रोडक्ट की गलती नहीं है, ये सारी गलतियाँ मेरी ही है। प्रोडक्ट अच्छा है ना तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते, खुद के ऊपर ब्लेम ले लेंगे। पहले तो है मेरे पास में ये रेड कलर की, ठीक है, पूरी निकाल दी ना। अब ये देखिए, ये टूट गई। मतलब ये थोड़ी सी क्रीमी टेक्स्चर या क्या इनका रीज़न है पता नहीं, मेरे बैग या और मुझे मेरा बैग फेंकने का भी आदत है थोड़ा, तो उस वजह से ये एक हो गया। ये था चिली बॉम, ठीक है। कलर आपके साथ में शेयर कर देंगे कैसा है क्या है करके। देन मेरे पास में है ये वाली क्ले क्रश। ये थोड़ा वॉश ऑफ कर देता है मुझे, तो बहुत ही कम लगाते हैं, मतलब नेचुरल सा लिप लगता है लेकिन बहुत सही है, ठीक है। ये वाली फुल सही कंडीशन में, क्योंकि इसे बैग में लेके नहीं घूम रहे, कभी इसके साथ में ट्रैवल नहीं करी। बाकी सारी चीज़ बाकी जितने कलर्स है उसके साथ में ट्रैवल करी है, तो ये कुछ बची है इतनी। जैसे कि दिखाया, अच्छा क्वांटिटी रहता है इनका, क्वांटिटी भी बता देते हैं कितनी है क्या है करके। पहले मुझे दिखना पड़ेगा वो भी। 299 की रेंज में ये आ रही है। सारी लिपस्टिक जो आपको दिखा रहे हैं मेबेलिन की है, और 3.9 ग्राम, वो भी बहुत, मतलब बाकी सारे लिपस्टिक के हिसाब से मुझे लग रहा है क्वांटिटी सही है, ठीक है। तो पहले मैंने दिखा दिया ना चिली बॉम, देन ये क्ले क्रश है। क्वांटिटी आप देख लीजिए, तो काफ़ी हद तक मैंने यूज़ भी कर लिया है। जो चिली बॉम है मैंने बहुत कम किया, वो भी मैंने काफ़ी हद तक यूज़ किया है। लेकिन आप अगर देखेंगे ना उस हिसाब से, कंपैरिजन अगर करना चाहोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कितना यूज़ किया है करके, ठीक है। चिली बॉम का तो हालत मैंने दिखा दिया, चिल्ली से बॉम अलग हो रहा है, वो हिसाब है उसका, मतलब निकल के आई है। और ये मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया करके, सही कंडीशन में मेरे पास में बची हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद में दिखाते हैं, इसके लिए तो मेरे माफ़ कर देना। ये है मेरे पास में डिवाइन वाइन, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही मरूनिश सा कलर है, रेड मरूनिश मिक्स, लेकिन बहुत प्यारा कलर है। आप समझ सकते हैं, मतलब ना दूसरा नहीं खरीदेंगे, इसे ही एम्प्टी करेंगे, भले ब्रश से लगाएंगे, लेकिन कंडीशन देख लीजिए। मतलब ये आधे से ज़्यादा कैप में है मेरे, अगर दिखाई दे रही है ना, डार्क, ठीक है। और इसका कंडीशन खुद आप देख लो, मतलब ना मुझे जगह ढूंढ कर ऐसे हाथ रखना पड़ता है, इतना मैंने ख़राब कर दिया। बैग में रखते हैं तो प्रोडक्ट्स बहुत ख़राब कर देते हैं। ये बची है कुछ इतनी, मतलब फिर भी लगा रहे हैं, मतलब बहुत प्यारा सा कलर है, ठीक है। और फिर इसके बाद में है मेरे पास में, अभी भी दो बची हुई है, वेट करिएगा। ये है सही कंडीशन में, इसे मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया था, ये कभी टूटा नहीं, कुछ नहीं, और ये एकदम एम्प्टी होने वाला है। ये मेरा फेवरेट है, मतलब मेरी डेली वेयर में यूज़ होता है ये। जब भी मुझे याद आती है कि हाँ लिपस्टिक लगाने का मन है तो इसी में जाते हैं अभी फ़िलहाल। और होता है ना, एक ही प्रोडक्ट से स्विच रहे तो ही वो एम्प्टी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, एक्सपायर हो जाएगी यार। इसीलिए एक ही प्रोडक्ट में स्विच रहते हैं तो वो ऐसा हो गया ना, मेरी यूनिफॉर्म की तरह की, मतलब हाँ उसे पहननी है, ठीक है। हाँ, उसका नाम नहीं बताए थे ना आपको, ये मेरा फेवरेट है, चिली न्यूड। बहुत ही प्यारा कलर है, मतलब जब फुल एम्प्टी हो जाएगी ना, इसका कैप उठा के दूसरे में स्विच करेंगे, क्योंकि ये क्लीन है। और दूसरा वाला जो दिखाए थे, क्या हालत हो गई थी वो वाइन समथिंग की, डिवाइन वाइन की, डिवाइन ही हो गई उसकी तो। फिर उसके बाद में मेरे पास में टच ऑफ स्पाइस का हालत ऐसा है कि कहीं टच करने लायक नहीं है, ठीक है। क्यों बोलने से ज़्यादा लिपस्टिक इसके अंदर है। काश आपको दिखा सकती है, तो दिख भी नहीं रही है, मतलब आधा से ज़्यादा लिपस्टिक इसके अंदर है। फिर इसके अंदर का कंडीशन दिखा रहे हैं, टच करने के लिए पहले जगह ढूंढ लूँ। फिर ये है कुछ ये हालत में, मतलब इतना प्यारा कलर है ना। अब इसे लगाते कैसे, या तो ब्रश उठा लेते हैं, अभी मैंने ये लगा रखी है, ठीक है, या तो इसे ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ब्रश उठा के, अदरवाइज ये बहुत प्यारा सा, मतलब ना मैंने बताया ना इसका आपको टच ऑफ स्पाइस। कलर दिखा देते पहले,
ये ना जो डेली यूज़ के लिए बहुत सही कलर है, और इसका कंपैरिजन एक बड़े ब्रांड के लिपस्टिक के साथ में होता है। ये इसका पर्टिकुलर इस कलर का टच ऑफ स्पाइस 660 299 की आती है। आप मानोगे, मतलब मैंने इस लिपस्टिक को इतना ख़राब कर दिया था ना, लेकिन ये देखिए सील तक मैंने नहीं खोला, मतलब ऐसे ही यूज़ करने लग गए थे तो कितना दिल में लगा होगा। पता नहीं क्यों मेबलिन का ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, जैसे कि अभी मैंने करंटली उन्हीं का फाउंडेशन दो कलर मैंने मिक्स करके लगाया हुआ है, देन मैंने उसके बाद में मेबलिन का और क्या यूज़ किया है मैंने साथ में, हाँ इनका कॉम्पैक्ट पाउडर, ये दोनों तो मेरा कभी चेंज ही नहीं होता मतलब, लेकिन आप समझ सकते हैं ना तो मैंने क्या कर रखी है करके, तो वो एक मुझे दुख लगता है। ये हो गई, चलिए कलर्स आपको दिखा देते हैं, मतलब ना इसका शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे शॉर्ट्स में, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मतलब ना बहुत ही प्यारा सा कलर है यार, बहुत प्यारा कलर है, मतलब ये इतने बड़े बड़े ब्रांड के जो लिपस्टिक्स हैं जिनका प्राइस बता देते हैं 3000-4000 एक का आ रहा है, नाम नहीं बताएंगे लेकिन सबको पता होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद भी और एक है जो अराउंड 700-800 की आती है, तो वैसे है ये है टच ऑफ स्पाइस, देन ये वाला है चिली न्यूड, ये मेरा बहुत मेरा आपको क्या बताइए तो ये हालत में, लेकिन ये कभी टूटी नहीं। ये कलर देख लीजिए, मतलब ना ये वाला जो है थोड़ा सा पिंक न्यू, जैसे कि जिनको न्यूड कलर्स पसंद है उतना हैवी नहीं है, और आँख की हालत ऐसे मतलब ज़्यादा मेकअप कर रखी है तो उसमें थोड़ा न्यूड अगर चाहिए तो वैसे में ठीक है, लेकिन ये वाला आपका स्मोकी आइस के साथ भी चला जाएगा, सिंपल काजल के साथ भी बहुत प्यारा लगेगा, कोई मेकअप नहीं है ये यूज़ कर रहे, और इसे ब्लश जैसे भी लगा दे, टच ऑफ स्पाइस भी ब्लश जैसे बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद में है ये डिवाइन वाइन, ये थोड़ा सा डार्क शेड है देखिए, ठीक है। और ना मुझे ये सब लिपस्टिक जैसे मतलब इतना डार्क शेड्स में लगाना पसंद नहीं है, तो हल्के से फिंगर में लेके ऐसा थोड़ा सा टच करते हैं ना, बहुत प्यारा लगता है। चिली बॉम भी दिखा देते हैं, ये जो डिवाइन वाइन है वो भी ब्लश जैसे बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो चिली बॉम है ना, इसका एक चीज़ बताते हैं, बाकी सारे लिपस्टिक आप जो लगाओगे खाओगे कलर चले जाएगा, लेकिन जो चिली बॉम है आप लगाओगे ना, आप खाना खा लो कुछ भी ऑयली फूड खा लो, लेकिन ना रेड कलर का टिंट आपके लिप में रहता है, बहुत प्यारा लगता है। कि मुझे डेली यूज़ में यूज़ करने का भी मन नहीं है ऐसे, क्योंकि एक प्रोडक्ट ख़त्म होने के बाद हम दूसरे में स्विच होएगी ऐसे सोच रही थी, लेकिन एम्प्टी करने का मन नहीं है, मतलब इतना प्यारा कलर है, और दूसरे लेना मतलब दूसरे लिपस्टिक्स भी है तो इसलिए पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते। ये वाला थोड़ा वॉश ऑफ कर देता है, तो आप मेरे शॉर्ट्स में अगर देखोगे इसका कलर देख, बहुत ही न्यूट कलर है, मतलब जिस दिन आपको लगे ना बहुत हैवी मेकअप, या फिर जिस दिन मेकअप ही ना करना हो और आपको सिर्फ लिपस्टिक लगाना हो, लिपस्टिक तो मतलब यार सबको पसंद है यार, कोई ऐसा कमेंट नहीं करना तुम्हें लिपस्टिक लगानी है ये है वो है, सबको अच्छा लगता है यार, मतलब जो लड़कियाँ होती है ना अच्छा लगता है। आजकल तो लड़के भी इतने मेकअप आर्टिस्ट निकले हैं, उनको तो पहले आप लोग जाके ऐसे पोक मत करो, अच्छे लगते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कभी सीखने मिल जाता है उन लोगों से, तो सभी को अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ख्याल रखिए, खुश रहे, और शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, सारे नाम भी लिस्टेड रहेंगे, जब आपको कलर्स दिखा रहे हैं तो उसके साथ में लिस्ट कर देंगे कि क्या क्या नाम है, प्लस आपको शॉर्ट्स में आकर आप देख लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या कलर है करके कैसा दिखता है।